क्या बने भाभी? मैगी। हाँ, मैगी बनानी है। सही है, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। इधर भाभी ने प्याज तैयार करके रख दी, पेस्ट बना के रख दिया, टमाटर का। इसका नई स्टाइल से बना रही है भाभी। जरा मुंह तो दिखा दो, पता कैसे लगेगा? खाली पीठ पीठ दिखेगी तुम्हारी। लोग कहेंगे भाभी से बोल तो रहे दिख रही पीठ। पर एक बात है ना भाभी, तुम्हारा काम करने का पता नहीं लगता है। मैं ये कहती हूँ भाभी किचन में रहती है, फटाफट सब काम हो जाते हैं। मेरे को एक घंटा लग जाता है यार। तो सीखना पड़ेगा तुमसे, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तुम किस समय कब क्या कर देते हो? रसोई में रहते हो ना, उसी समय अंदर बाहर भी नाचते हो और तुम्हारा खाना भी तैयार रहता है। मैं नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की, तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे मायके से। मैं आई थी यहाँ कल शाम, मैं मेरी बहन भैया के साथ हम कल शाम पहुँचे यहाँ। तो दोस्तों, रात का ब्लॉग तो शूट कर पाई नहीं मैं, तो इसलिए सुबह से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ। और इस छत में धूप भी आ रही है और हवा भी चल रही, ठंडी ठंडा हो रहा है। और इधर चारों ओर से हो रही हरियाली, क्योंकि इधर गेहूं लगाए हैं चारों ओर से, तो बहुत सुंदर नज़ारा हो रहा है इधर का। और इधर दोस्तों पड़ोस में शादी हो रही है, तो वहाँ रात से ही बैंड वैंड बज रहा है। इसमें ओस कितनी सुंदर लग रही है, इसमें चमक रही है। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। इसको नहीं दे रहे हो? क्या नाम है इसका? ये नहीं खाता मैगी? इस बार तो सब नई नई वैरायटी लाए हैं। गमले ही खरीद के लाया होगा भैया है? अच्छा, ये कितने सुंदर लग रहे, गुलाब जैसे बहुत सुंदर लग रहे फूल। और ये तो प्लास्टिक जैसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा ओरिजिनल जैसा। ये इतना सुंदर लग रहा है गुलाबी जैसे, यही लेने में फायदा यार। और लग ही नहीं रहा भाभी ओरिजिनल गुलाब, वो ऐसा लग रहा है ना जैसे प्लास्टिक के नहीं आते, सेम वही लग रहे सारे। ये कहीं से कहीं नहीं लग रहा, सब वही ऐसे लग रहे, छू के पता लग रहा ओरिजिनल है, नहीं तो वही प्लास्टिक में लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्या है अभी? ये हैं जो बोर्ख हैं, ये डहेलिया होगा। अच्छा, ये डहेलिया है? नहीं, ये है डहेलिया, ये पता नहीं किसका है। ये है डहेलिया, तो डहेलिया ये कैसा है अभी? ये शो का है, शो प्लांट है। अच्छा, यीशु ने अपने लिए रख रखे हैं, ले जाएगी। कौन सा वाले? ये अच्छा शो वाले। अच्छा, वहाँ लगाने के लिए। और अभी इधर भी तो हैं, ये भी तो रख रखे हैं भैया ने। इसमें भी फूल आता है? ये फूल इसमें? अच्छा, इसमें तो नहीं आ रहा। नीले रंग के फूल आएंगे। अच्छा, ये सिसौड़ भी लगा रखा है? हाँ, सिसौड़ा भी लगा। वाह, ये सिसौड़ किस काम के लिए लगा रखा है? कभी कभी दवाई के लिए। अच्छा, ये गेंदा देखो, बेमौसम का गेंदा केला। पत्ते का तेल बनता है ना मेरे ख्याल, तेल में उबाल के। कमलनी है? कमलनी है, छोटे कमल आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पिछली बार तो बाहर भी नहीं दिख रहे थे, इस बार तब भी दिख रहे ना, चतुरी थी, इस बार दिख रहे हैं बाहर भी। आजा जो जो नमस्ते। हाँ, हाँ बाबे से जय करना शिकार का भैया। हाँ, तो डॉगों का ही रहता। आजा, और क्या कारोबार हो रहा? सही है, आज संडे है, पर सफाई अभियान का ही काम है। हाँ सही है, सही है, होना चाहिए एक दिन। आजा। तो अभी तक पेल पत्ती तोड़े थे, अब आ रहे हैं हमें बाहर। अब इधर देखती हूँ क्या हो रहा है। इधर नींबू हो रहे, थोड़ा नींबू तोड़ती हूँ। थोड़ी गडेरी हो रही है, तो सब्जी के लिए थोड़ी गडेरी रखती हूँ। ऐसा दिखने अच्छा ये है पेड़, लग नहीं रहा। मैं कह रही कहाँ से खोदेगी ये। मई के आके दोस्तों बैठे बैठे खाना खाओ और घूमते रहो, ऐसे टाइम कट जाता है। और अभी हमारा जाने का टाइम हो गया है। फूल इतने हो रहे हैं, ले जाने का मन कर रहा, पर मेरे घर में चिमकांडी और कलवा छोड़ते नहीं। इतनी मेहनत करती, इतने गमले वमले लाई, सब तोड़ दिए। इधर सब फूल के पौधे हो रही है। इधर सेब का पेड़ है। वो कह रहा था भैया इसमें आ रहा फूल, कह रहा भैया नाम भी पता नहीं, कुछ नाम लेते रही थी अटपटा इस पेड़ का। क्या है, माल्टा है? है, ये तो नींबू ही लग रहा है। चेरी, चेरी का है। इसे बीज तो आ रहे हैं, चेरी अभी तो आ रहा, ये फूल आ रहा है। इसमें लगते नहीं है। हाँ, सेब का तो देखा मैंने, इनका सेब का ही लग रहा मुझे। सेब भी नहीं आए ना, इसमें भी फूल नहीं आए। इतना बड़ा अमरूद है, आता है इसमें? तो सारे बंदरों के लिए बोल के तुमने सही कह रखा। बल इंसान तो खाते रहते, बंदर का भी तो होना चाहिए। हम लोग हो गए तैयार और जा रहे हैं। यह बाय कर रहे, आ रहा है छोड़ने हमें।
आओ भाभी बाहर आ रहे हो। चिंटू बाय बाय चिंटू बाय बाय चलो। हाथ जोड़ता है राइनी के लिए से गमले में ये इसका कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है गुलाब। ये देखो वो ये हाँ ये कितने हाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। वही कह रही ना कि गुलाब कुछ दिन रहता है। हाँ। एक गुलाब का फूल ऐसा ही दिन चलता है ना। हाँ। और बाकी तो फूल चलते नहीं, खाना खाने पानी भी नहीं पिया। ले लेंगे दो तो यार छोटी का लेके ना ना दो भाभी आगे जाएंगे तो आगे भी एक राम ने कर दी पानी तो ध्यान ही नहीं रहा खाने के बाद खाना खाने प्यारे इच्छा आ गया। ये अनार का पेड़ है ले जाऊंगी तेरे को नहीं दूंगी तो तुम्हारा ये भी यहाँ तक आ गया। बाहर आ रहे भाभी यहीं पर हो गया हाँ तो फिर मैं तो मिल तो ले फिर कौन आ गया चिंटू 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 भाई हुआ जी करो बेटा क्या करेगी ठीक है चल भी बैठ फिर हम ठीक खाली क्या करोगे आके हाँ ठीक हम चलते हाँ हाँ फोन कर दे हाँ बस फोन कर देंगे तो टेंशन मत रख फोन कर देंगे ठीक चलो आओ फिर आओ 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 भैया आओ आओ ना दादी अच्छा भाभी बाय ना दादी का मन मानेगा ना नातनी का टाइम हो रहा है ना मेल का है हाँ तो मेल वो लगी है ना मिल जाएगी तो फटाफट चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए कालाढूंगी ठीक है बहना फिर कोई बात नहीं हम अपना काम कर रहे ठीक है हाँ ठीक है ठीक सही है सही मौसम भी खराब हो रहा है और यहाँ देखो इन साहब को चल सौभाग्य की बहू ठीक है ठीक बाय मायके से घर पहुंची 4:15 बजे मैं और बहन तो मैं अभी अपना हुलिया चेंज करके घर का काम कर रही हूँ बहन चले गई है अंकित छोड़ने गया है अब मैंने सोचा घर का काम कर लेती हूँ काम इतना पड़ा है पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है एक दिन भी कहीं जाओ घर छोड़ के तो घर वैसे ही गंदा हो जाता फिर बाकी तो मेरे दो हैं ही वो आपको पता ही है चिमकांडी और कालू कालू बहुत सताना है और सांस फूल रही है मेरी तो अंकित अपनी मौसी को छोड़ने गया है कालू को देखो मैंने इसे डांटा तो ये छुप गया था देखो ये निकल के बाहर आ बाहर ये इन्होंने गमले तोड़ के ऐसा कर रखा क्या बताऊँ इसी वजह से मैं फूल नहीं लाई कलवे के लिए तो मैंने वो लाना था जौ लाने थे भूल गई मैं क्या जौ लाऊंगी सोच रही थी इनके लिए जौ भी नहीं लाई मैंने कहा जौ के चक्कर में इन्होंने पूरे गमले मेरे तोड़ दिए हैं हरी घास चाहिए होती है इनको अब हरी घास थी नहीं तो मैंने सोचा जौ ले आऊंगी भूल गई अब कोई उनका ढेर है ये तो ये बर्तन मल दिए धो रही अब चाय बनाई बल्कि चाय भी बहन ने बनाई झाड़ू भी बहन ने लगाया मैं अंदर काम कर रही थी बहन से कहा मैंने तू चाय पी जा भैया मैं बाद में पीऊँगी मैं पहले बर्तन धोऊँ उसके बाद फिर चाय पीती हूँ क्योंकि अभी साथ वाले भी आएंगे मेरे तो साथ ही पीऊँगी मैं फिलहाल पहले किचन साफ कर लूँ मायके से आने के बाद तो बहुत बुरा लग रहा था कि तबीयत सही नहीं रहती है तो इसमें से कब से जाएंगे जाएंगे कह रहे थे जा ही नहीं पा रहे थे कभी कुछ हो जा रहा कभी कुछ हो जा रहा मेरा भी ऐसे ये काम पे काम उलझ जाती हूँ अब मेरी भी
तीन तारीख से पोलियो की ड्यूटी है, फिर मैं बिजी हो जाऊंगी। अभी काम बहुत है, अभी सर्वे करनी है, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो इस वजह से हम लोग दोनों बहनें गए थे घर मायके में। मम्मी पापा भैया सब जिद कर रहे थे रुको रुको, पर क्या करें, घर का काम देखना था तो हम नहीं रुक पाए। मायके में तो बढ़िया ही हो रहा था, बैठे बैठाए खाना मिल रहा था, हाथ में मिल रहा था, भाभी बना के दे रही थी, गरम गरम खाने को मिल रहा था। पर यही है ना, घर का काम छूट जाता है, घर भी देखना है, तो इसलिए दो दिन भाभी इनसे सेवा करवा ली, बहुत है। लो भाई मायके से हलवा बना के लाई हूँ। हाँ बिल्कुल, जिसने भी बनाया तुम खा लो। मेरी बात सुनो भाई, लड़कियों का ऐसी ठहरा, जो बना है लाओ दो लाओ दो, ऐसी तुम हलवा भी ले आए। हाँ तो क्या करे यार, अब माँ बाप जितने प्रेम से देंगे, सही बात है। मैंने कहा चखा तुमको भी देती हूँ, बहुत टेस्टी हो रहा, बहुत टेस्टी हो रहा। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत इसमें इनका प्यार भी छिपा हुआ है। हाँ तो खाने वालों का भी प्यार है ना इसमें, खाने वालों को भी तो पसंद आ रहा है। खाने खाने पे लिखा, दाने दाने पे, हाँ दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और ये मैं अपने लिए लाई हूँ बहुत छोटे बर्तन में। शोभा और राधा आए थे तो वो भी चले गए हैं, तो अब मैं भी अपने घर का कर लेती हूँ काम बाकी। दो दिन तो भाभी ने बना के खिला दिया गरम गरम, अब तो अपने हाथ से ही बनाना है खाना है, तो अब बनाती हूँ मैं खाना। और रात के बज रहे 9:30, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।